गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 14 मई बड़ा शुक्रवार, आज अक्षय तृतीया का बना अद्भुत संयोग। तुलसी जी पर चढ़ा दे बस एक छोटी सी चीज, चमक जाएगा आपका भाग्य, बरसों पुरानी गरीबी होगी दूर। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जाता है। इस बार अक्षय तृतीया 14 मई शुक्रवार को यानी कि आज है। अक्षय तृतीया का दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस बार आज यानी कि शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया होने से इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है, क्योंकि शुक्रवार का दिन भी धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस बार ग्रहों का अद्भुत संयोग अक्षय तृतीया के दिन बन रहा है। इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ धन वृद्धि होगी। इन अद्भुत संयोग के चलते इस बार की अक्षय तृतीया और भी ज़्यादा खास हो गई है। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अक्षय तृतीया पर तुलसी जी पर चढ़ाने मात्र से ही भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। धन संबंधित आपकी जो भी परेशानियाँ हैं वह सब दूर होगी, साथ ही दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। तुलसी जी पर एक चीज़ चढ़ाने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होगा, घर में खुशहाली आएगी और बरकत भी होगी। धर्म प्रेमियों, अक्षय तृतीया का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। यह तिथि पापों का नाश करने वाली और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली है। इस दिन किया गया दान पुण्य, जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह कभी भी क्षय नहीं होता यानी कि अक्षय रहता है। जन्मों जन्मों तक वह पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर अधिक से अधिक पुण्य कर्म का, अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करने से, दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता यह है कि इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को देवता व पितरों के नाम से जलकुंड, शक्कर, सत्तू, पंखा, छाता, फल आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करना शुभ फलदायी होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत खुश होती है और अपने भक्तों के घर में माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा, शक्कर, गुड़, बर्फी, सफ़ेद वस्त्र, नमक, शरबत, चावल, चांदी का दान भी करना चाहिए। इस दिन पूजा करते समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाने यानी कि साबुत कच्चे चावल चढ़ाना चाहिए। इससे पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। इसके अलावा पितृदोष निवारण के लिए पितरों को तर्पण देना बहुत लाभदायक होता है। इस दिन पितरों के नाम से पिंड दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर परिवार के कष्ट दूर होते हैं। यदि आपके घर में पितृदोष है तो पिंड दान के अलावा पितरों की मुक्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। आप प्रभु नारायण से पितरों को मुक्ति देने की प्रार्थना करें। धर्म प्रेमियों, शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तुलसी जी को हरि प्रिय कहा जाता है क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर तुलसी जी का पूजन आपको अवश्य ही करना चाहिए। सबसे पहले स्नान आदि करने के पश्चात आप स्वच्छ लाल या पीले रंग के आपको वस्त्र धारण करना है। फिर आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करें। इसके पश्चात आप तुलसी माँ का पूजन करें। तुलसी जी का पूजन करने के लिए एक घी का दिया आपको तैयार करना है। ध्यान रखें, उस घी के दीपक में आपको थोड़ी सी हल्दी मिला देनी है। एक लोटे में आपको शुद्ध जल लेना है। अगर घर में गंगा जल है तो इस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी शक्कर आप इस जल में डाल दें। सबसे पहले आप तुलसी जी पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय आप भगवान विष्णु के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन में आपको जाप करना है। जल चढ़ाने के बाद आपको अब दिया तुलसी जी के पास में रख देना है। दिया जलाने के बाद आपको एक कटोरी में थोड़े से साबुत चावल ले लें। ध्यान रखें, आपको साबुत चावल के दाने लेना है, वे भी कच्चे। आप इन चावल में थोड़ी सी हल्दी मिला दें। आपको इतनी हल्दी मिलानी है कि चावल पीले रंग के हो जाएं। अब आप थोड़े से चावल आप अपने राइट हैंड साइड की तरफ यानी कि दाहिने हाथ में ले लें। इन चावल को आप भगवान विष्णु जी के
द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करें, तुलसी जी के चरणों में आप थोड़े थोड़े दाने आप उनको चढ़ा दें, हो सके तो 108 बार 108 दाने आप तुलसी जी को चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना है और यह चावल उन्हें अर्पित कर देना है। अक्षय तृतीया के दिन अक्षत यानी कि साबुत चावल का विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन तुलसी जी पर अक्षत अर्पित करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। अक्षत में हल्दी मिलाने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है, घर में खुशहाली आती है। अक्षत और हल्दी तुलसी जी को अर्पित करने के पश्चात 11 बार आपको घूमकर तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन में आपको जाप करना है। परिक्रमा करने के पश्चात तुलसी जी के चरणों में यानी कि तुलसी जी के पास से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आप इस मिट्टी से अपने मस्तक पर तिलक करें। ऐसा करने से दारिद्रता का नाश होता है। बड़ा ही अद्भुत उपाय है, बड़ा ही अलौकिक उपाय है। यदि आप पूजन संध्या काल या संध्या काल के बाद कर रहे हैं तो याद रखें तुलसी जी पर आपको जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि अक्षय तृतीया पर किया गया कोई भी शुभ कार्य मंगलिक कार्य करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार अगर कुछ गलत कार्य हम करते हैं तो उसका फल भी जीवन भर क्या कई जन्मों तक भुगतना पड़ता है। अक्षय तृतीया के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। संध्या काल और रात्रि काल के समय तुलसी जी को स्पर्श न करें, तुलसी के पत्तों को तोड़े नहीं और तुलसी जी पर जल भी न चढ़ाएं। तुलसी जी का दीपक जलाकर आप इस तरह पूजन कर सकते हैं। पीरियड के दौरान ना तो महिला तुलसी जी का पूजन करें और ना ही उनका स्पर्श करें। शास्त्रों में यह बताया गया है कि महिलाओं को तुलसी जी के आसपास भी नहीं जाना चाहिए, यानी कि आपकी परछाई तुलसी जी पर नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा करने से भारी पाप चढ़ता है और जीवन भर इसका भुगतान करना पड़ता है, इसीलिए इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आपके घर पर अगर आपके घर पर आए तो उसे भूल कर भी खाली हाथ आपको नहीं भेजना है। अपनी श्रद्धा अनुसार जितना हो सके अन्न या फिर पैसा या फिर वस्त्र इत्यादि आपको दान अवश्य करना है। धर्म प्रेमियों, अक्षय तृतीया पर साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।